हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। राधे राधे दर्शकों, गुरु जी के बताए गए मकर संक्रांति के उपाय में आपको प्रदीप पंडित मिश्रा के उपायों को सुनकर अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। साल 2024 में मकर संक्रांति 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाएगा। इस दिन स्नान दान के कार्य बेहद ही शुभ माने जाते हैं, लेकिन कुछ बातों का आप अवश्य ही ध्यान रख। मकर संक्रांति हिंदुओं के लिए बहुत ही अहम पर्व होता है। इस दिन स्नान दान के कार्य को बेहद शुभ माना गया है। पंचांग के अनुसार जब ग्रहों के राजा धनु राशि से निकलकर मकर राशि में गोचर करते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार इस साल 15 जनवरी को सूर्यदेव सुबह 2:54 पर मकर राशि में गोचर करेंगे, इसीलिए साल 2024 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाएगा। इस दिन सुबह उठकर नदी में स्नान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। साथ ही मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा उपासना की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक में कभी किसी तरह का कष्ट, घर में पैसों की कमी और ऐसे करने से घर में कभी भी कलेश नहीं होते और पूरे साल खुशियों से गुजरती है। मकर संक्रांति के दिन इन उपायों को कर लेने से घर में पैसों की कभी कमी। गुरु जी ने बताया है कि मकर संक्रांति के दिन अगर आप इस वस्तुओं का दान करते हैं तो काफ़ी शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन सुबह उठकर पवित्र नदी में स्नान करें। यदि नदी संभव ना हो तो पानी में गंगा जल मिलाकर उसे छिड़काव कर लें। सूर्य देव को जल अर्घ दें। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को तिल और गुड़ दान अवश्य करें। मकर संक्रांति के दिन में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। इस दिन अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें और उनका आशीर्वाद लें। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी और तिल का सेवन अवश्य करें। इस तामसिक भोजन के सेवन से बचना चाहिए।